को हमने थोड़े बड़े पीसेस में रखने हैं. बेसिकली इसको हमने थोड़ा सा फैन पैन पर फ्राई करना होगा. okay. तो अगर छोटे पीसेस होंगे तो ऑब्वियसली वो फिर उधर ही छोटे से होंगे तो टूटने का खतरा होता है. सही है. यहाँ पे मेरे पास चिकन है. ठीक है, इस चिकन को मैं इसमें ऐड कर दूँगा. अच्छा, इसमें मुझे दही डालनी है पर दही नहीं डालनी, इसमें मुझे हंकर डालना है. अच्छा, योगर्ट में बहुत से लोगों को योगर्ट और हंकर का डिफरेंस नहीं पता होता, तो वो मैं थोड़ा बता दूं कि दही होती है नॉर्मल योगर्ट होती है, हंकर मींस कि दही का पानी निकाल कर. ठीक है, तो ये इसमें मैं ऐड कर दूंगा अबाउट 2 टेबल स्पून के बराबर. कश्मीरी लाल मिर्च. अच्छा, कश्मीरी लाल मिर्च जो है इसका एक फ्लेवर नहीं होता, ये बेसिकली कलर के लिए हम इस्तेमाल करते okay. हैं. ठीक है, इसमें मैं ये ऐड कर दूंगा. यहाँ मेरे पास इसमें इस वक्त है पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर. पिसा हुआ धनिया, कोरिएंडर पाउडर. अच्छा, याद रखिएगा कि हमने जो इसको स्पाइसेस तो मैरिनेट कर रहे हैं इसमें इतने स्पाइसेस डाले क्योंकि यही तमाम स्पाइसेस हम ग्रेवी में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यही ना हो कि एक्सीड हो जाए. तो अच्छा, बैलेंस रहे, बैलेंस करना है. यही हाफ इधर जाएंगे तो हाफ ग्रेवी. एक अच्छे शेफ का काम है कि उसको हर चीज को बैलेंस करना है. जो से जो जिस चीज 2 से 3 स्टेप में बन रही है उसमें बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है. ठीक है, यहाँ मेरे पास है रेड चिली पाउडर एंड टर्मेरिक. अच्छा, टर्मेरिक भी बहुत थोड़ी ही डालेंगे क्योंकि इसको हमने थोड़ा येलोइश पे नहीं लेकर आना. ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं मैरिनेट कर दूंगा. कितनी देर रखना होगा? अच्छा, घर पे करें आप तो इसको तकरीबन 2 घंटे तक मैरिनेट करें ताकि जो फ्लेवर है वो उसके अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए. देन फिर आप इसको पैन फ्राई कर लीजिएगा. ओके, और इन केस टाइम ना हो तो फौरन भी कर सकते हैं? फौरन फिर आप इसको एटलीस्ट 15-20 मिनट छोड़ दें, थोड़ा सा तो रेस्ट देना, रेस्ट देना पड़ेगा आपको. अच्छा जी, ठीक है. यहाँ हम अनियन ले लेंगे. अनियन को हमने करना है सिंपल स्लाइस फॉर्म में कर लेना है. ठीक है, मैं इसको सौते करने, इसको ट्रांसलूसेंट करना है हमने. ओके, इस पर कलर नहीं लाना. और फिर मैं इसमें कैशूज डाल के सौते करूंगा और इसके बाद मैं ग्रेवी बनाऊँ, पेस्ट बना लूंगा. अनियन का जो पेस्ट था वो मैंने ये बना लिया, अनियन और ट्रांसलूसेंट किया था और उसको मैंने उसमें थोड़े से वो डालते कैशूज डाले थे. अगर बिल फर्स्ट अगर कैशूज नहीं है तो ऑल्टरनेट, हर चीज़ का ऑल्टरनेट मौजूद है. तो हम क्या करेंगे उसमें फिर हम ऐड कर देंगे थोड़े से आलमंड्स ऐड कर देंगे. आलमंड्स okay. और आलमंड्स कड़वे नहीं होने चाहिए, थोड़ा इसको देख लीजिए. ऑयल लिया, मेरे पास ये जो टोमेटो प्यूरे है कि मैंने इसमें ऐड कर देना. कैसे बनाया? नॉर्मल टोमेटो को मैंने बस ब्लांच किया. नहीं, नो नो, जरूरत नहीं है. अगर आप ब्लांच करना चाह रहे हैं हाँ. आप कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है. ओके, तो आपने टोमेटोज लिए, स्किन रिमूव की? स्किन रिमूव नहीं की, बस ऐसे बस मैं कट किया, 2-4 पीसेस में कट करके मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया और मैं इसको, और बहुत पतला ब्लेंड नहीं करना. हाँ, क्योंकि थिक नजर आ रहा है. जी जी, ऐसे ही. अब इसमें हम टोमेटोज ऐड कर देंगे. यहाँ मेरे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट है. अनियन का जो पेस्ट था जिसको मैंने कैशूज के साथ किया हुआ था ब्लेंड कर लिया, अब मैं वो ऐड कर दूँगा. पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर. ठीक है, और ध्यान रखना है क्योंकि हमने उसमें भी डाला हुआ है तो ये ना हो बहुत टू मच ही हो गया, टू मच हो जाए. टर्मेरिक, ये तो और हाथ रोक के क्योंकि पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर. ये है मेरे पास पिसा हुआ धनिया. अच्छा, धनिया जो है वो ग्रेवी बनाता है बेसिकली खाने में, इसलिए हम थोड़ा सा उसको डालते हैं. ठीक है, ये होगा. उसके बाद फिर हम इस ग्रेवी को भूनेंगे. मसाला हमारा लगे नहीं तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए. अच्छा, प्याज का जो अमूमन पेस्ट होता है या टमाटर का जो बेसिकली हम पेस्ट प्रॉपर बनाते हैं उसको थोड़ा सा गलने में थोड़ा टाइम देते हैं, बनिस्बत के अगर हम साबुत कट कट के ऐड करें. देखिए, आप ये देखें, अगर मैं आपको यहाँ पे कलर दिखाऊं कि इसके ऊपर कलर कितना जबरदस्त आया. हाँ, हालांकि हमने कोई कलर सिवाय उसके कश्मीरी लाल मिर्च. यस, ये कलर बड़ा अच्छा आपको देगा. अच्छा, ये जो इसमें रिमेनिंग ऑयल बचा है ये आप इसमें ही ऐड कर दें, इसको ज़ाया मत करें. इसको बस मैंने मिक्स करना है और थोड़ा सा पानी डाल के इसको ग्रेवी को मैं गलने के लिए थोड़ा छोड़ दूंगा और ये मेरी हार्डली ग्रेवी 5 से 10 मिनट में रेडी हो जाएगी. ओके, बस अब हमें कुछ नहीं ऐड करना है. अब नथिंग, अब बस लास्ट में इसके ऊपर बस क्रीम ऐड करेंगे लास्ट में. अच्छा, मैंने इसमें क्रीम ऐड कर दी थी
और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी, उससे एक फ्रेगनेंस बड़ी अच्छी आई और यहाँ पे आ भी रही है स्टूडियो में, सीरियसली आ रही है। मैं फील कर सकती हूँ इसका अरोमा बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़बरदस्त है। कलर आप देखें, हमने कोई फूड कलर ऐड नहीं किया है सिवाय इसके कश्मीरी मिर्च के, और इसी ने बहुत इसका ब्राइट। अच्छा, इसकी ग्रेवी थोड़ी सी आप ना रनी होती है? नहीं रनी नहीं, बस इतनी थिक रखें क्योंकि बेसिकली थोड़ा ये अगर आप नान चपाती या आप राइस के साथ भी इसको खा सकते हैं। ठीक है, इसको मैं डिश। अब आप ये देखें कि इस पे कलर कितना अच्छा आ रहा है। अगर हम चिकन पे देखें, इसको मैं डिश आउट कर लेता हूँ। चिकन चंगेजी मैरिनेशन के लिए, चिकन 1 किलो, पानी निकली दही आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने की चम्मचे, नमक हसबे जायका, नींबू का रस 2 खाने की चम्मचे, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, पिसी कश्मीरी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा। ग्रेवी के लिए तेल 1 कप, प्याज 2 अदद, टोमेटो प्यूरी आधा कप, काजू 50 ग्राम, नमक हसबे जायका, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी कश्मीरी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, तेज़पत्ता 1 अदद, क्रीम 1 पैकेट, हरा धनिया 1/4 गट्ठी, हरी मिर्च 4 अदद, दूध 1/4 कप।